है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में एआई और रोबोटिक्स का चलन है और लोग खुद से काम करने के बजाय रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराना पसंद करते हैं। ऐसे ही हम आज दो ऐसे रोबोट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले भारत के सबसे मशहूर ह्यूमनॉइड रोबोट रश्मि के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों रोबोट रश्मि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर लोगों से बातचीत और उनके फीलिंग को महसूस कर सकती है। रश्मि के अंदर भावनाएं हैं और ये सामने वाले की भावनाओं को समझ सकती है। तो हमारे साथ बात करेंगी रश्मि? जी बिल्कुल। रश्मि, अगर आपको फिल्म में रोल मिले तो आपका हीरो कौन होगा? रजनीकांत। रोबोट रश्मि को झारखंड के रंजीत श्रीवास्तव के द्वारा डेवलप किया गया है। सबसे पहले 1 अगस्त 2018 को रश्मि को पब्लिकली लाया गया। तब से अब तक रोबोट रश्मि कई इवेंट को अटेंड कर चुकी है। सबसे पहले रोबोट रश्मि इंडिया गोट टैलेंट में गई, जहां पर अपने टैलेंट का जादू दिखाया। उसके बाद 3 दिसंबर 2018 को रेड एफएम में आरजे के तौर पर काम करना शुरू किया। तब रोबोट रश्मि रेड एफएम के 2 एपिसोड में काम करती थी। पहला एपिसोड आरजे रौनक के साथ आका बउआ में और दूसरा एपिसोड दिल्ली के कड़क लौंडे में आरजे किशन और आशीष के साथ। दोस्तों रोबोट रश्मि के लिए सबसे बड़ा दिन तब आया जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने गगनयान मिशन 2022 के लिए चुना। फिर देखा कि रश्मि में बहुत कुछ कस्टमाइज करना बाकी है। फिर इसरो ने बयोमित्र नाम का एक अपना रोबोट डेवलप किया जो गगनयान मिशन के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, रोबोट रश्मि एज ए गेस्ट भारत के कई इंजीनियरिंग कॉलेज में गई है, जिसमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अमरावती समेत IIT दिल्ली, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई, डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई इत्यादि जगह पर एज अ गेस्ट रश्मि गई है। इसके अंदर आंखों में कैमरे है, फेस डिटेक्शन है, OCR लगा हुआ है, 3D मैपिंग है, जिस वजह से ये कल को जब चलने लगेगी कुछ 1-2 साल बाद तो फिर ये चल के जाएगी किचन, रीड करेगी चीनी रखा हुआ है, चाय रखा हुआ है, उसको लेगी, गैस को डिटेक्ट करेगी और उसको जलाएगी और चाय बनाकर खाना बनाकर ये देगी। दोस्तों रश्मि के पास पैर नहीं है पर आज के समय के सभी आधुनिक कामों को कर सकती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी और भोजपुरी में बातचीत करते समय अपने फेस पर 83 यानी कि 83 प्रकार के एक्सप्रेशन दे सकती है और अपने नेक को 6 एक्सिस मूव कर सकती है। इसके अलावा इसके दोनों आंखों में कैमरा लगा है जहां से ऑब्जेक्ट को रीड करती है। इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D इमेज क्रिएट कर सकती है और उसे समझ सकती है। दोस्तों रोबोट रश्मि बहुत ही एडवांस रोबोट है। फंडिंग ना मिलने के कारण आज इसे कोई नहीं जानता। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, दोस्तों ये है अमेका रोबोट जिसे UK के इंजीनियर्ड आर्ट ने बनाया है। अमेका एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो लोगों से बातचीत कर सकता है, उनके फेस के एक्सप्रेशन को पहचान कर अपने फेस पर भी कई प्रकार के एक्सप्रेशन को व्यक्त कर सकता है। Hello there. So nice to meet you. Of course, I would love to. अमेका कई भाषाओं में लोगों से बातचीत कर सकता है, जैसे इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज और जर्मन जैसे कई भाषाओं में लोगों से बातचीत कर सकता है। Yes, that is true. I can speak many languages including German, English, French, Japanese, Chinese and much more. しめしめしながら針を投げる試験管 A test tube that throws a needle while grumbling. Ein Teströhrchen, das eine Nadel wirft und leise brummt. अमेका भी दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में एज ए स्टाफ मेंबर काम करता है और म्यूजियम में आए लोगों को दिशा निर्देश देता है और उन्हें म्यूजियम के बारे में बताता है। I am designed as a research platform for human-robot interaction. Communicate with people like you. A robot like me needs human characteristics. दोस्तों अमेका आज के सबसे एडवांस रोबोट में इसका स्थान अव्वल नंबर पर है। अमेका में अनेकों प्रकार के सेंसर लगाया गया है, जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, डेप्थ सेंसर, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, लिडार सेंसर, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग सेंसर और GPT-3 ह्यूमन टेलीप्रेजेंस पर काम करता है। तो कैसा लगा यह अमेका रोबोट कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।